हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो अभी क्या है कि मेरा नीचे का जो काम है पशुओं वाला वो सारा मेरा हो गया है और टाइम अभी हुआ है 7:30 हो गए हैं और अनुष्का चली गई है स्कूल। आज शायद अभी लास्ट पेपर तो नहीं है, उसका भी एक पेपर और रह रहा है तो उसके बाद शायद उसकी छुट्टियां हो जाएं। हो क्या जाएं हो, मतलब बोल रही थी कि इसके बाद मम्मी छुट्टी हो जाएंगी तो देखते हैं, हो जाए तो अच्छा ही है। मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बच्चे भी ना परेशान हो गए हैं और उनका भी मन है कि छुट्टी कर दी जाए। तो चलिए अभी ना मैं सोच रही हूँ कि एक तो मैं मट्ठा लगा दूँ चलाने के लिए, जो कि मट्ठा चलता है हमारा वो लगा दूँ, और मैंने रात ना राजमा भी बोए थे तो मेरा मन है कि राजमा चावल बनाए जाएं। तो मैं राजमा में सीटी लगाऊंगी, जैसे कि मैं झाड़ू मतलब लगाऊंगी और काम करूंगी इतने में सीटी आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं उसमें चावल रख दूँगी। तो ये काम मेरे साथ के साथ चलते रहेंगे, खाना भी साथ के साथ हो जाएगा। वैसे अगर एक आधा रोटी बनेगी एक दो तो वो देखी जाएगी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी को रहता है चाहे मैं चावल बना दूँ, लेकिन उनको रहता है कि मुझे एक आधा रोटी भी खानी है। मुझे तो है नहीं बिल्कुल, मैं तो राजमा चावल हो, छोले चावल हो, दाल चावल हो, मैं तो खा लेती हूँ। मतलब मेरा तो पेट भर जाता है, पर इनको रहता है, फिर अनुष्का को भी रहता है। या तो वो देखा देखी पापा के, या फिर उसका मन हो, वो ही जान सकती है, लेकिन वो भी कहती है। तो उनके लिए फिर देखूँगी बाद में, वो बोलेंगे तो रोटी भी डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल रोटी बनाने का कोई टाइम नहीं है। सुबह मैंने अनुष्का के लंच में पकौड़ियाँ बनाई थी, मतलब तो उसमें से क्या था कि ऐसी चीज़ें घर में बनती हैं थोड़ी फालतू तो हो ही जाती हैं। तो अनुष्का के पापा जी भी खा करके खेत पर चले गए हैं और चाय वगैरह सबकी हो गई है। अब बाकी का काम चलेगा घर का, घर का तो सारा ही काम है जो कि अभी मुझे करना है। सबको विदा करने के बाद हम लग जाते हैं अपने काम पर और चलिए चलते हैं। और आज ना गर्मी हो रही है, 2-3 दिन ना मौसम बहुत अच्छा रहा था लेकिन फिर से अब गर्मी हो रही है। आज तो सुबह से ही गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, वरना बारिश होने के बाद 2-3 दिन ना मौसम बहुत अच्छा रहा था। तो चलिए करते हैं अपने आगे के काम, बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ की लाइट चला लेती हूँ और अभी ना लाइट भी आ रही है। लाइट बीच में चली भी गई है एक दो बार लेकिन अभी आ रही है। इधर रखा हुआ है मेरा कुकर, चलिए इसमें रखते हैं राजमा वगैरह उबालने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से, ये मैंने रात भिगो दिए थे तो कितने अच्छे से ये फूल गए हैं, ये देखिए है ना कितने अच्छे से। और ये छोटे वाले सफ़ेद राजमा हैं, बड़े वाले ना इतने अच्छे नहीं लगते मुझे, मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा छोटे वाले और सफ़ेद राजमा लेकर के आना, तो वही लेकर के आए हैं। इनको 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद फिर उबालने के लिए रख दूँगी। तो राजमा को ना मैंने अच्छे से 3-4 बार धो लिया है और इसमें अब साफ पानी ले करके और अब मैंने इसमें रख दिया। और इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। नमक से क्या है कि एक तो ये अच्छे से हो जाते हैं और दूसरा कि इसमें ना राजमा हो छोले हो इनमें नमक डाल दो ना तो उबालने में अच्छे से ये अंदर तक नमक बैठ जाता है, फिर ना फीके फीके से नहीं लगते, नहीं वरना खाओ तो फिर अंदर से फीके फीके से लगते हैं। अगर सब्जी के साथ ही नमक डालो, उबालने में नहीं डालो तो डाल देती हूँ। कभी कभार मैं भूल भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर डाल ही देती हूँ। और ये हमारी कढ़ाई है जिसमें कि पकौड़ियाँ बनी थी। तो इसमें क्या है कि जैसे सब्जी वगैरह बनाऊँगी ना तो पहले इस तेल को छान लूँगी, क्योंकि इसमें पकौड़ी बनाएंगी तो उनका वो आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं ना, तो इन पर बाद में मैं छान करके फिर मैं इसी में सब्जी में तड़का लगा दूँगी इसी कढ़ाई में, इसलिए मैंने इस कढ़ाई को साफ भी नहीं किया है। तो चलिए इसका ढक्कन लगा देते हैं। और ये है चाय का भगोना, तो इसको भी साफ करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि पहले किचन को ही साफ करूँ, उसके बाद ना फिर मैं क्या बोलते हैं झाड़ू लगा लूँगी। इसमें थोड़ी सी चाय रखी है तो इसको मैं अभी गर्म करके पी लूँगी, इधर का काम ख़त्म हो जाएगा फिर। और ये मेरे बर्तन साफ हुए रखे हैं जो कि मैंने रात साफ करे थे, अभी लगाए नहीं हैं, तो पहले इनको लगाऊँगी, क्योंकि और बर्तन ये वाले साफ़ होंगे तो फिर मैं इसमें रख लूँगी इनको। पहले मैं उनको लगा देती हूँ बर्तन को, उसके बाद फिर उनको भी साफ कर लूँगी। तो बर्तन मैंने सारे अच्छे से सेट कर दिए हैं इधर, और कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा आप देखिए। सारे बर्तन मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं और एक बोतल बची है, तो मैंने ना
इसमें सोचा था कि पानी भर करके फ्रिज में रख दूंगी, और फिर मैंने ना इसलिए नहीं रखा क्योंकि ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा सामान हो जाते हैं ना, फिर समझ में नहीं आता है ना, फिर ये भी समझ में नहीं आता कि कौन सी बोतल हमने आज भरी है और कौन सी कल भरी है, इसलिए मैंने सोचा नहीं, थोड़ा लिमिट में ही रखते हैं, उससे क्या है कि ताज़ा ताज़ा पानी डेली भरते हैं और यूज हो जाता है, फिर भर लेते। अगर सारी बहुत सारी बोतल में भर के इसमें रख दूँ ना तो फिर पता नहीं एक दिन दो दिन पता नहीं कै दिन तक की बोतलें हो जाएं इसमें, इसलिए मैंने सोचा नहीं, बस लिमिट में ही रहने देते हैं। लिमिट से बाहर ना फिर दिमाग भी ख़राब हो जाता है अगर लिमिट से बाहर कोई काम करो तो। चलिए ना मैं यहाँ पर पहले इस पर कपड़ा मारती हूँ सारी से लिप पे, और उसके बाद ही फिर बर्तन साफ करूँगी। किचन की भी साफ़ सफाई में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और किचन साफ़ हो जाए ना तो फिर ये लगता है कि हाँ आधा काम ख़त्म हो गया है। फिर किचन में बर्तन है भी चलाना है, जैसे कि बहुत छोटे छोटे बड़े काम सब होते हैं इसमें, तो वाले काम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो इधर ना मैंने मट्ठा चलाने के लिए तैयार कर लिया है, इसमें पानी भी डाल लिया है और जो दही कल की थी वो इसमें डाल दी है, और ताज़ा दही मैंने यहाँ पर ये निकाल ली है। और इधर मैंने इस तेल को भी छान के, ये वाला ये तेल मैंने छान लिया है, और देखिए पकौड़ियों का टुकड़े कितने निकले हैं। और इधर मैंने ढक दिया है कढ़ाई को क्योंकि इसमें ही सब्जी बनानी है, और ये मैंने जो पानी यूज किया था उसमें ठंडा डालने के लिए उसको साथ के साथ बोतल को भर के रख दिया है। इससे क्या है कि काम ना आसान से होते रहते हैं, ये नहीं है कि आप एक साथ ही करो फिर ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है दिक्कत परेशानी एक साथ सारे काम करने में। और लाइट चली गई है अभी अभी, तो मैं जो मुझे सामान फ्रिज में रखने हैं उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और इधर मैंने शेक भी बना करके रख दिया है अभी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी आते हैं बहुत जल्दबाजी में तो फिर वो पीकर चले जाएंगे। इसमें ना लौकी की खीर रखी हुई है, बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी खीर हो रही है, और ये मैंने रात बनाई थी खीर तो इसमें बची हुई रखी है, अब वो खा लेंगे क्योंकि अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को ठंडी खीर ही पसंद है। तो इसको बंद कर देती हूँ, ज़्यादा देर नहीं खोलती हूँ क्योंकि लाइट वैसे ही चली गई है। और कुछ बर्तन मैंने यहाँ पर साफ कर दिए हैं, कुछ अभी बाकी है, तो पहले इसमें रई लगाऊंगी और इसको अच्छे से चारों तरफ से कपड़ा लगा दूंगी जिससे कि इसमें से मट्ठा ना निकले इसलिए। तो ये देखिए सारी किचन एकदम क्लीन है, सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और इधर मैंने मट्ठा भी लगा दिया है, सिर्फ मुझे ये दवा नहीं है चटक दी क्योंकि अभी इसलिए नहीं दवाई है, अभी आपसे बातें कर रही हूँ फिर आवाज़ आएगी। और इधर मैंने अपनी चाय को भी गर्म करके इसमें छान लिया है, तो यहाँ का तो काम होता है मेरा ख़त्म। और इधर सारी बोतल वगैरह सब कुछ भर के रख दी है, और इतनी बोतल ना काफ़ी रहती हैं, ये हैं दो और एक ये तीन और चार नीचे भरी हुई रखी हुई हैं, और एक बोतल इसमें अभी अनुष्का स्कूल से आएगी उसकी रख जाएगी, तो ना बहुत रहती है। फिर चीज़ें कंट्रोल में रहें ना तो ही अच्छा रहता है, फिर चीज़ें कंट्रोल से लिमिट से बाहर हो जाए ना तो फिर दिमाग में भी नहीं आती है क्या करना है। तो चलिए अभी पहले चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी ना इधर भी इस रूम में भी ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। लाइट चलाती हूँ, पंखा चल गया लाइट की जगह। ये इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं तो पहले मुझे फिर ये भी तय करने हैं, तो पहले चाय पीती हूँ उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी जो रह गए हैं। उठा लेते हैं अपनी चाय, आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। सुबह वाली चाय तो ये नहीं है, ये दूसरी वाली चाय है, सुबह तो पी ली थी, अब ये दोबारा से बेईमानी वाली चाय चल रही है। और मेरी ना देखिए दुपट्टा काला हो गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर रूम में।
तो यहाँ पर ना मैंने बेड की चादर वगैरह अच्छे से सेट कर दिया। इस चादर पर ना मुझसे चाय बिखर गई थी, मैं चाय पी रही थी तो फिर मैंने इसको धो लिया है। और अभी यहाँ पर ले आई हूँ मैं कपड़े तह करने के लिए। मुझे कपड़े तह करने थे, रखे हुए थे उधर, तो मैंने कहा चलो फिर कपड़ों की भी तह कर देते हैं, उसके बाद ही फिर और काम पर लगेंगे। क्योंकि ना फिर ये ऐसे पड़े रहेंगे, जैसे कि मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया, ये रखे रहेंगे तो बड़े गंदे से लगते हैं, ऐसे लगता है काम अधूरा सा। और अगर एक तरफ से अच्छे से करते चलो ना तो फिर बड़ा मतलब अच्छा लगता है, मन भी लगता है कि हाँ हमने कुछ काम किया है। तो इसमें ना ज़्यादातर कपड़े जो थे वो हैंगर पे टांगने के थे, थोड़े से ही कपड़े थे जिनकी मुझे तह करनी थी। देखो सारे कपड़े ही हैंगर पे टांगने हैं मुझे, और ये एक दो पैंट हैं, थोड़े से कपड़े हैं जिनकी मुझे तह करनी है, बस इनको भी तह करती हूँ, फटाफट से रख देती हूँ। और बाकी काम फिर मुझे अभी और भी करने हैं, अभी तो काम की शुरुआत है, काम अभी ख़त्म तो होने वाले इतने आसानी से है नहीं। इनमें भी ना बहुत टाइम चला जाता है, मुझे सुबह वाले काम खत्म करने में कम से कम 10 बज जाते हैं, उसके बाद नहाती हूँ फिर और काम करती हूँ। तो ये कपड़े तय हो गए हैं और अभी मैं इनको रख करके आऊँगी, जो रखने हैं और जो मुझे टांगने हैं उन्हें टांग करके। तो उधर रूम से कपड़े लेकर आ गई हूँ मैं इधर वाले रूम में, क्योंकि ना इधर वाले रूम में ही रखते हैं कपड़े। इसमें बड़ी अलमारी है जिसमें ना सारे कपड़े अच्छे से आ जाते हैं, तो इसी में रख देते हैं, बाकी हम इधर उधर कहीं भी नहीं रखते हैं। वैसे भी ना एक जगह सी बन जाती है हर चीज़ की, कि चलो ये चीज़ यहाँ पर रखनी है, ये चीज़ यहाँ पर रखनी है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कपड़े इधर रखे हैं, अनुष्का के कपड़े उधर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़े से कपड़े अनुष्का ने रख लिए थे, और ये अलमारी ना उसी दिन से एक इधर की साइड में कर रखी थी हमने, जिस दिन बारिश आई थी उस दिन से अभी पीछे की ओर हमने नहीं की है। क्योंकि ना बारिश घटा सी होती रहती है, तो डर लगता है कहीं फिर से बारिश ना आ जाए। और जब तक ये ना ऊपर वाला ये जंगला बंद नहीं होगा ना, तब तक हमें इस अलमारी को इधर उधर ही करना पड़ेगा। तो देखेंगे इसको कब बंद कराते हैं, जल्दी से हमें ये बंद भी कराना पड़ेगा। और मैं इसे अच्छे से कर रही थी कि इधर उधर से मतलब सही अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी ये थोड़ी सी अनुष्का की किताब रखी हुई थी, तो फिर मैं इनको भी रखे देती हूँ, क्योंकि मेज़ पर ही रखी हुई थी इसकी सारी चीज़ें, जैसे कि पेंसिल वगैरह, मैं अच्छे से रख देती हूँ। फिर ना इसको अगर ना मिले ना तो फिर ये परेशान हो जाती है, रोने लगती है। तो मैं इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं इधर वाले रूम में, मुझे इस बेड की चादर अच्छे से झाड़ करके बिछानी है। और इसकी मैंने पॉलीथीन उस दिन उतार दी थी, अभी मुझे इसके लिए कवर लेना है गद्दे के लिए, क्योंकि ना ऐसे भी ये चादर कम रुकती है, रुक तो जाती है फिर भी ना अभी जब तक इस पर कवर नहीं चढ़ेगा, जब तक इसकी अच्छे से सेटिंग नहीं होगी, तो किसी दिन मैं या तो बाज़ार से मंगाऊंगी इनसे, या फिर कोई इधर आए गए आते रहते हैं जैसे बेचने के लिए, तो फिर उनसे ले लूँगी। तो अभी ना मैं यहाँ पर चादर को सेट कर देती हूँ अच्छे से। अभी अनुष्का वाले रूम की साफ़ सफ़ाई चल रही है, इसको भी उधर मैंने कर दी है, जिस रूम में हम ज़्यादातर रहते हैं वो सब अच्छे से सेट हो गया है। क्योंकि ना उसी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसमें सारा दिन हम उसी में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं सारे, मतलब सब काम ज़्यादातर उसी में करते हैं, तो वो ही ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है, बाकी के तो सारे ठीक ही रहते हैं। तो अभी ना मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखना था, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि इसी रूम में किताब वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो मुझे लिखना है उसको लिख करके और रख देती हूँ। फिर दोबारा से क्या इधर आकर के पेंसिल वगैरह ढूँढना, तो मैंने कहा साथ के साथ इसको, और फिर एक बार अगर दिमाग से कोई चीज़ निकल जाए ना फिर इतनी आसानी से याद भी नहीं आती है, भूल ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इस काम को पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही अभी झाड़ू लगाएंगे, पोछा भी लगेगा, तो बहुत सारा काम है अभी बाकी। अभी तो सेटिंग ही चल रही है, अभी तो शुरुआत ही है, और आगे आगे तो अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं। तो मैंने लिख करके इसमें रख दिया है, और उसकी पेंसिल अनुष्का की जहाँ पर रखें वहीं पर रख दूँगी, जैसे सामान था सेट कर दिया है मैंने वहीं पर ऐसे ही। और अब चलती हूँ दूसरे वाले रूम में।
यहाँ पर देखिए अनुष्का क्या काम कर रही है। ये ना हमारे पेंट हुआ था इस जाल पर, सामने जो जाल लगा हुआ है, क्योंकि बारिश में ना ये ख़राब हो जाता है, इसमें जलन लग जाता है, फिर बेकार हो जाता है ये। इस पर कपड़े वगैरह हम सुखाते हैं तो उनमें भी दाग लग जाते फिर, तो इसलिए हमने अभी पहली ही बारिश हुई थी उससे ही थोड़ा लाल लाल सा अजीब सा हो गया था ये, तो उस पर पेंट कराया था कलर। और ये पेंट बचा था तो अनुष्का देखिए क्या काम कर रही है। अनुष्का ना ये वॉशरूम का गेट है जिस पर अनुष्का पेंट कर रही है, इसको ना ऐसे कामों की बहुत ज़्यादा रहती है। मैं कर रही थी, मैं आई थी लेकर के डब्बा, और इसने देखा कि मम्मी क्या कर रही हैं, तो फटाफट चाई बोली मैं करूँगी। इस पर देखिए कितने कितने मन से कर रही है ये, देखिए आप देख सकते हो आप, है ना, इसका बहुत मन लगता है ऐसे काम करने में। और सारे को कर देगी ये देखिए, और बड़े ही उससे कर रही है, ये नहीं कि जल्दबाजी है ऐसे कुछ है नहीं, इसका बड़ा मन लग रहा है इस काम को करने में। और इसे ना जब हमारे घर पे पहले पेंट सा हुआ था सफ़ेद वाला, तब भी इसने किया था ये काम। और देखिए जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत है, मैं इसे बता रही हूँ, मैंने कहा इधर कर दो उधर कर दो, तो वो उसी बोल रही है कि मैं खुद से कर लूँगी, आप जाओ मैं खुद से कर लूँगी। कर भी लेगी ये, कर लेती है, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँगी तभी करेगी, सारे मुझसे भी अच्छा कर देगी। और मुझसे कह रही थी आप चले जाओ, मैं सारे को करके आऊँगी, जितना भी पेंट है मैं सारे को ख़त्म कर दूँगी, अगर बचेगा तो आगे साइड में भी कर दूँगी, वरना पीछे तो कर ही दूँगी सारी गेट पर। तो गाइस काम सारा ख़त्म हो गया है, जितना भी काम था सारा ही ख़त्म हो गया है। टाइम हुआ है 10:30, 10:30 होने वाले हैं, 1 मिनट बाकी है वो भी हो जाएगा। तो अभी ना मेरा काम ख़त्म हुआ है और मैं अभी पंखे के पास बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बारी आती है अब नहाने की। अगर मैं पसीने में ही नहा करके आती ना, तो बोलते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी तो तबीयत वैसे ही ख़राब हो रही है 2-3 दिन से ना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी है और मतलब बेचैनी हड़कल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो घर से ही मैंने दवाई ले ली है, उससे ही मुझे आराम मिल गया था। अब देखती हूँ आगे, वैसे फ़िलहाल हड़कल वगैरह तो नहीं है, लेकिन ना मेरे सर में दर्द है, हल्का हल्का सा सर में दर्द है, शायद लगता है मुझे कि थोड़ा बहुत बुखार भी है। और ना मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है 2-3 दिन से, तो मेरी आँखों के नीचे ना सूजन आ गई है, ये देखिए इसके नीचे ज़्यादा आ रही है ना। तो चलिए अब टाइम आ गया है आपसे बाय बाय बोलने का और विदा लेने का। तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।